दोस्तों, जब भी आप खेत में डीएपी डालते हैं तो क्या सोच कर डालते हैं, वो कारण जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और उसी के साथ साथ मुझे ये जरूर बताइए कि खेत में डीएपी डालने के बाद फसल में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। नमस्कार, मैं अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएपी के अंदर होता क्या है, असली और नकली डीएपी की पहचान कैसे की जाती है बिना लेबोरेटरी के, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और उसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि डीएपी जो आप खेत में डालते हैं उसका कितना प्रतिशत डीएपी इस्तेमाल हो पाता है, और जो बच जाता है उसका क्या करें, उसे दोबारा पौधे तक कैसे पहुंचाएं। तो दोस्तों, बातचीत शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि जो डीएपी होती है इसे डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन होता है, 40% फास्फोरस होता है। डीएपी के अंदर मेन जो कंटेंट होता है वो फास्फोरस ही होता है। नाइट्रोजन तो इसलिए डाला जाता है ताकि ये जो फास्फोरस होता है ये जल्दी सोल्यूबल फॉर्म में चला जाए। आपको पता होगा कि जो सोल्यूबल फॉर्म में जाएगा तभी पौधे को मिलेगा और तभी पौधे के अंदर कोई परिवर्तन आपको नजर आएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे कि जितनी डीएपी आप खेत के अंदर डालते हैं उसकी मात्र 39.5% डीएपी ही वाटर सोल्यूबल होती है, जो पानी के साथ घुलकर पौधे तक पहुंचती है। बाकी सारी की सारी जो डीएपी है वो खेत के अंदर मिट्टी के अंदर यूं ही सॉलिड फॉर्म में पड़ी रहती है, उसका कोई काम नहीं होता, वो यूं ही रह जाती है। अगर उसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा पीएसबी कल्चर का या फिर माइकोराजा का, ताकि आप इसे जो है सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर ये भी डीएपी पौधा जो है वो यूज कर सके, जो वहां पर सॉलिड फॉर्म में रह जाती है। जब भी आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो आपको पता चलता होगा कि आपके खेत में फास्फोरस की मात्रा बहुत है, क्योंकि आपने एक बोरी डीएपी डाली और उसमें से मात्र 40% के करीब डीएपी यूज हुई है, बाकी तो सारी की सारी खेत में ही है, इसीलिए खेत की मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा आती है। अब हम करके दिखाते हैं आपको वो एक्सपेरिमेंट जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि डीएपी कैसे चेक की जाती है कि वो प्योर है या फिर उसमें मिलावट है। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे ये डीएपी है, थोड़ी मैंने अभी बाजार से मंगवाई और मैंने थोड़ा सा डीएपी को लिया और उसको फर्श पे डाल दिया, चार पांच दाने थोड़े ज्यादा हैं, और फिर पैर से इसको ऐसे से दबाया, ठीक है, अच्छे से दबाएंगे तो ये पूरे का ना पाउडर नहीं बनेगा, कुछ सॉलिड पार्टिकल बचे रहेंगे, इसका मतलब ये डीएपी सही है। और कई बार मिलावट वाली होती है, उसको जब आप ऐसे से करेंगे तो उसका पूरा पाउडर बन जाता है, तो जिसका पूरा पाउडर बन जाए वो डीएपी के अंदर मिलावट है। दूसरा ये भी चेक किया जाता है कि डीएपी को आप हाथ में लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा चूना मिला लीजिए, चूना मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर ऐसे हाथें बंद रखिए और उसके बाद उसको सूंघेंगे, तब अगर तीखी खुशबू आती है तो आप ये समझिएगा कि डीएपी सही है। अगर कोई खुशबू नहीं आती, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप समझिएगा डीएपी जो है वो नकली है, उसके अंदर मिलावट है। खैर दोस्तों, क्या एनपीके डीएपी का अल्टरनेट हो सकता है, ये बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। फटाफट थोड़े टाइम में अच्छा ज्ञान। देखते रहिए एबीसी इंडिया।